खबर नरवर से आ रही है, जहां पर ग्राम पंचायत सबोली के फुरतला में दबंग चाहुआ कुशवा भूरा कुशवा आदि ने मिलकर पुलिया को आधी रात को जेसीबी मशीन की मदद से पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। इससे लगभग 10 गांव के लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। इस पूरे घटनाक्रम घटित होने के बाद सरपंच महादेवी बाथम के द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी गई। फुरता कलास से नरवर मार्ग पर कई दिनों से टूटी पड़ी पुलिया के चलते लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है, तो वहीं वाहन चालकों को अपने वाहनों से सड़क से नीचे उतार कर निकालना पड़ रहा है। राहगीरों और वाहन चालकों को सबसे बड़ी चिंता सताई जा रही है। नरवर से साबोली होते हुए फुरतला के लिए मार्ग बना हुआ है, लेकिन मार्ग पर स्थित फुरतला ग्राम के 1 किलोमीटर आगे मुख्य सड़क पर पुलिया टूट गई है। ये पुलिया कई महीनों से टूटी पड़ी है। स्थिति यह है कि पुलिया टूटने के कारण लोग अपने वाहनों को सड़कों से नीचे उतार कर निकल रहे हैं। इस स्थान पर पुलिया टूट गई है और वहां पर बरसात का पानी पुलिया से निकलता है। अगर एक भी द्वारा तेज बारिश हो गई तो पुलिया के नीचे पानी जमा हो जाएगा। ऐसे में नीचे उतार कर भी वाहन निकलना मुश्किल हो जाएगा। प्रतिदिन इस मार्ग से सैकड़ों वाहन निकलते हैं। इधर सरपंच पति कप्तान बाथम ने बताया कि पुलिया टूटी होने के कारण अभी लोग नीचे निकल रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी भी बारिश हो जाती है तो नाले में पानी का भराव होने के कारण वाहनों का निकलना बंद हो जाएगा। ऐसे में फुरतला सबोली सहित कई ग्रामों के निवासियों को निकलना मुश्किल हो जाएगा। ग्रामीणों ने शासन से इस पुलिया का जल्द से जल्द निर्माण कार्य शुरू करने की मांग की है। पुलिया का है ये 10-12 गांव का आवागमन है उस पुलिया से, क्योंकि रात में बाकी जो स्थानीय लोग हैं चौंगा कुशवा बूढ़ा कुशवा और उनके भाई भतीजे ने मिल गए हैं, रात में जेसीबी ला के और वो पुलिया तोड़वा दी। मेरे को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। जब सुबह जानकारी मिली तो उनकी जानकारी जो है जनपद स्तर पर बताई, तो अधिकारी चूँकि बाढ़ आपदा में लगे रहे तो उस पर कार्रवाई हुई कि नहीं हुई इस चीज़ की मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि ये किया तो इन्हें गलत है।